hello everyone uh, welcome to the lecture series of subject power electronics uh, it is our today's first lecture of power electronics subject uh, these are the contents of today's lecture introduction brief history application of power electronics their advantages disadvantages

उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि वाई वी आर यूजिंग दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दैट मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज क्यों करते हैं वाई इट इज रिक्वायर्ड वाई इट इज नीडेड ओके सो लेट इस अंडरस्टैंड बाय द एनर्जी सिनारी ऑफ कंट्री एज आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो कंट्री का एनर्जी सिनारी है उसके अकॉर्डिंग एटी सेवन परसेंट ऑफ एनर्जी कम्स फ्राम फोजिल फ्यूल्स लाइक कोल ऑयल एंड गेस बराबर एंड सिक्स परसेंट ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम दी न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिमेनिंग सेवन परसेंट कम्स फ्राम दी रिन्यूएबल एनर्जी सो दिस इज दवर एनर्जी सिनारी ऑफ कंट्री सो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे एटी सेवन परसेंट एनर्जी कम्स फ्राम फॉजल फ्यूल्स दैट मीन्स कोल ऑयल गेज तो ये जो कोल है कोल भी आ, इसकी जो लाइफ लाइन है दैट इज़ वेरी लिमिटेड आज से 150 इयर्स तक अवेलेबल रहेगा ये उसके बाद दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो सो दैट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल कि व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट ओके और कुछ परसेंट जो है हम रिनेबल एनर्जी से पावर जनरेट करते हैं सो so, आजकल रिनेबल एनर्जी से जो पावर जनरेशन का जो रेशो है जो परसेंटेज है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है हमारी गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट कर रही है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो कंक्लूज़न ये है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रिक्वायरमेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ज़रूरी है सो so, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रॉम जनरेटिंग पॉइंट सोर्स पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक ट्रांसमिट करना जो पावर जो ट्रांसमिट होता है उसको पावर को कंट्रोल करना और कन्वर्ट करना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम तो ये जो भी हमारा एनर्जी सिनारीो है अकॉर्डिंग टू दैट कि जो भी फॉजल फ्यूल्स है ये कुछ समय के लिए हैं नॉट फॉर लाइफ टाइम सो आफ्टर दैट दैट विल वेरी क्रिटिकल सिचुएशन सो फॉर दैट अभी हम सोर्स साइड तो ये सोर्स है हमारा ये सोर्स साइड तो हम कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं बराबर क्योंकि कोल लिमिटेड है ये बड़ी डिफिकल्टी से हमें इसके रिसोर्सेस मिलते हैं ठीक है और कोल को जनरेट करना कोल को प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है आप सभी जानते हैं ऑल यू आर अवेयर अबाउट दैट दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस अप्रोक्सीमेट हंड्रेड ईयर्स ऑफ सो हम क्या कर सकते हैं हम लोड साइड एनर्जी सेव कर सकते हैं दैट मीन्स जो यहाँ पे दिया हुआ है कि वन परसेंट ऑफ एनर्जी सेविंग एट लोड साइड देन सिक्स परसेंट ऑफ एनर्जी सेविंग ऑफ फोजिल फ्यूज अगर हम वन परसेंट ऑफ एनर्जी सेव करते हैं लोड साइड तो जनरेटिंग साइड यहां पर सिक्स परसेंट ऑफ एनर्जी का सेविंग होगा सो दैट मीन्स ये जो लोड है लोड साइड जो हम एनर्जी सेव करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे ड्यू टू दूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अब पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मीनिंग क्या होता है जैसे पहले समय में हम इनकेडेंस लैम यूज़ करते थे बराबर तो उसका वोल्टेज रेटिंग क्या होता था आपका सिक्सटी वाट हंड्रेड वाट फिर आफ्टर दैट दैट विल कम सी एफ एल देन नाव इज वी आर यूजिंग दी एल ई डी तो एल ई डी में भी कम वोल्टेज होता है कम पावर रेटिंग होता है सो so, जितना पावर कम वोल्टेज रेटिंग होगा उतना पावर कम कंज्यूम करेगा ठीक है सो दैट मीन्स द लोड साइड हम क्या कर सकते हैं एनर्जी को सेव कर सकते हैं सो दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिट आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सो अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी सिनारी ऑफ आवर कंट्री सो दैट मीन्स की जो ऑलमोस्ट जो पार्ट है एनर्जी का जनरेशन का वो फॉजिल फ्यूल से हो रहा है आजकल ठीक है लाइक थर्मल पावर प्लांट आपका जो है गैस पावर प्लांट ऑयल पावर प्लांट ये सब जो है मैक्सिमम जो पावर जनरेट होता है वो आपका 87 परसेंट ऑफ जो पावर जनरेशन है वो कहाँ से होता आपका? है आपका फॉजल फ्यूल से है, ठीक है और ये जो फॉजल फ्यूल्स है ये कुछ समय बाद इसकी लाइफ जो लाइफ है दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड ओके सो वी आर यूजिंग दी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या करता है लोड साइड इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है और सिस्टम को रिलायबल बनाता है बराबर सो दिस इज मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमें क्यों रिक्वायर्ड है क्यों इसका नीड है सो दैट इज द मेन रीजन इज दैट फॉर इंक्रीजिंग द इफिशियंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो है ये पूरा आपका ब्लॉक डायग्राम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ओके okay. इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि देर इज सोर्स देर इज वन ब्लॉक इज सोर्स सेकेंड इज पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड थर्ड वन इज लोड एंड फोर्थ वन इज कंट्रोलर सो यहां पर मेनली फोर ब्लॉक्स है फर्स्ट सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन फंक्शन क्या है इट कन्वर्ट आर कन्वर्स दीप पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड तो ये पावर को क्या करता है सोर्स से लोड तक पावर को ट्रांसफर करता है और पावर को कन्वर्ट करता है विथ हाई इफिशंसी एंड विथ हाई रिलायिलिटी So that is the main function of power electronic system. So this is the block diagram of power electronic system in which you can observe that the there is power electronic circuit, there is load, there is controller, and there is first is source. Source means we have available single-phase supply, three-phase supply, and power electronic circuit that means that is the power electronics converters like rectifier. चॉपर इन्वर्टर वोल्टेज रेगुलेटर साइक्लो कन्वर्टर दिस आर कम्स टू दी इन ब्लॉक ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड लोड लोड हमारा कुछ भी हो सकता है लाइक डी सी मोटर इंडक्शन मोटर सिंकोनस मोटर एंड मैनी मोर अप्लाइंसेस सो लोड की क्या रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और ये जो कंट्रोलर है कंट्रोलर कंट्रोलर इट्स प्रोवाइड द फीडबैक सिग्नल फीडबैक सिग्नल दैट मीन्स सपोज इन केस ऑफ मोटर इफ यू आर मैजिंग द स्पीड वॉट इज द स्पीड अगर हमें स्पीड कंट्रोल करना है तो ये स्पीड सेंसर uh, के थ्रू सेंस करेगा और फीडबैक सिग्नल के थ्रू ट्रांसफर uh, करेगा ओके सो एज इट इज दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्लॉक डाइग्राम का जो वर्किंग है दैट इज दी इट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड विथ हाई इफिशियंसी एंड हाई रिलायबिलिटी सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट मीन्स इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड सो लोड को क्या रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अब इस पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक हम एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे सो सपोज ऑल यू नो दैट दी आवर मोबाइल चार्जर तो जो uh, हम सभी लोग जो मोबाइल यूज करते हैं उसका जो मोबाइल चार्जर है मोबाइल जो हम चार्जिंग करते हैं दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जैसे सपोज दैट इज आवर सोर्स सिंगल फेज़

मोबाइल चार्जर एंड दिस इज दोबाइल सो दिस इज अवर एग्जाम्पल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये हमारा सोर्स हो गया ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया और ये हो गया हमारा लोड सो यहाँ पे क्या काम हो रहा है मोबाइल चार्ज हो रहा है जो भी मोबाइल का बैटरी है फाइव टू सेवन वोल्ट सो ये जो सिस्टम है ये जो मिडिल ब्लॉक है इट वर्क एज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर सेमी कंडक्टर सर्किट तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो एक एज सेमी कंडक्टर डिवाइस से कॉम्बिनेशन से बना होता है ठीक है सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वी कैन एज्यूम दैट दिस इज दोर्स इन फर्स्ट ब्लॉक दैट इज दोर्स इट इज सिंगल फेस और ए मोबाइल चार्जर तो यहां पर एसी सप्लाई है हमें मिल रही है तो मोबाइल चार्जर क्या करता है एसी सप्लाई को डी सप्लाई में कन्वर्ट करता है बराबर एज वर्क एज अ रेक्टिफायर और यहाँ पे कुछ फिल्टर भी लगा होता है और जो मोबाइल का बैटरी हमारा वो मोबाइल की बैटरी डीसी पे काम करती है ठीक है डीसी बैटरी होती है सो अकॉर्डिंग टू दैट आवर मोबाइल इज चार्ज दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नाउ एज वी नो दैट

Is a branch of electrical electronics engineering that is concerned with the conversion and control of electrical power for various applications. So, that is the definition of power electronics system. The power electronics, electrical or electronic engineering ki branch, is concerned with conversion and control of electrical power for various applications. As we also discussed in a previous slide, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन फंक्शन है ये पावर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विथ हाई इफिशंसी एंड हाई रिलायबिलिटी विथ कंट्रोलिंग इक्विपमेंट नाउ दी वी विल डिस्कसिंग अबाउट द गोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉट इज द गोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सो गोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म with highest efficiency high availability and high reliability with the lowest cost smallest size and weight so this is the goal of power electronics now we will go through the brief history about the power electronic system what are the history of power electronic system the first power electronic devices was developed that is the mercury arc rectifier during the year of 1900, then the other power devices like metal tank rectifier, grid control, vacuum tube rectifier, thyratron, and magnetic amplifier were developed and used gradually for power control applications until 1950. So that is the first revolution of the power electronic system was started in 1900 and after that the first scr that is full name is silicon control rectifier or we are also known as thyristor was invented and developed by bell laboratory in 1956 which was the first pnpn -PN triggering transistor so in 1956 the first polytonic devices which is scr was invented in bell laboratory after that the second electronic revolution began in the year of 1958 with the development of the commercial grade thyristor by the general electric company thus the new era of electronics was born

कन्वर्ट करना उसको ट्रांसफर करना विथ गुड इफिशियंसी एंड रिलायबिलिटी आफ्टर दैट इन नाइनटीन सेवेंटी द बीजेटी वॉज इन्वेंटेड बीजेटी मीन्स बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड इन नाइनटीन सेवनटी एट दावर मॉसफेट बीकेम कमर्शियली अवेलेबल The MOSFET means metal oxide semiconductor field effect transistor, and after that, in 1983, the IGBT was introduced, and then in 1997, the IGCT was invented. So, this is the uh, brief history about the power semiconductor devices. Now we will Discussing about the applications of power electronics. So, applications of power electronics. What are the applications of power electronics? So, these are the following applications first, in our daily life, second, automotive and traction system, third one is. इन इंडस्ट्रीज फोर्थ वन इज इन डिफेंस एंड एरो स्पेस नेक्स्ट रिन्यबल एनर्जी एंड लास्ट वन दट इज दी यूटिलिटी सिस्टम सो फर्स्ट वन इज दट इज द डेली लाइफ सो डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के एज वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड अबाउट द मोबाइल चार्जर सो मोबाइल चार्जर एक हमारा गुड एग्जाम्पल है लैपटॉप चार्जिंग डेस्कटॉप जो कि यूपीएस यूज होता है उसमें सो इन डे टू डे लाइफ देर आर वेरियस एप्लीकेशंस आप पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे मोटर कंट्रोल करना आपका ए सी ट्रू डी सी स्पीड कंट्रोल करना आफ्टर दैट सेकेंड इज ऑटोमोटिव एंड ट्रैक्शन सिस्टम सो ऑटोमोटिव एंड ट्रैक्शन सिस्टम दैट मीन्स इन रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम the also power electronics equipment power electronics converters are used various types of power electronics techniques are implemented and automation system in commercial and also as well as in industries there is a everywhere automation systems are implemented so everywhere power electronics is used third one is industry so इन इंडस्ट्री देयर एज ऑलमोस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आज डेवलप्ड लाइक स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर वेरी दी फ्रिक्वेंसी वेरी दी वोल्टेज वेरी दी करेंट वेरी दी पावर सो इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एवरी वेयर वी आर सीन दी एप्प्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सो इंडस्ट्री में भी पूरा ऑटोमे ऑटोमेशन सिस्टम होता है इंडस्ट्री में आपके जो भी कंट्रोल uh, करना है पावर को कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म लाइक ए सी टू डी सी या डी सी टू ए सी या फिक्स ए सी टू वेरिएबल डी सी तो इन सभी एप्लीकेशंस में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज होता है एंड आफ्टर दैट डिफेंस एंड एयर स्पेस सो डिफेंस में भी एंड एरो स्पेस इसमें भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर का यूज होता है फॉर आर्मी फॉर इन आर्मी में भी आपके जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं उनका जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निक्स यूज़ होती है और एरो में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ होता है वही पावरिक सिस्टम दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ पावर फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विद दी हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थर्ड वन इज सॉरी नेक्स्ट वन इज रिन एनर्जी सो रिन्यूबल एनर्जी दैट मीन्स आप सभी को पता रिन्यूएबल एनर्जी जैसे लाइक विंड पावर सिस्टम सोलर पावर सिस्टम सो नाउ इन रिनल एनर्जी सिस्टम द पावर कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड जो सपोज फॉर विंड एनर्जी विंड एनर्जी में पावर कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट जो होता है सोलर एनर्जी में जो पावर का रिक्वायरमेंट होता है डायरेक्टली हमें इसमें ए या जो भी हमें रिक्वायरमेंट uh, है पावर का वो नहीं मिलता है सो द पावर कन्वर्जन इज़ डन बाई द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर सो वे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जितने भी होते हैं विंड एनर्जी सोलर एनर्जी इसमें भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं एंड लास्ट वन इज़ यूटिलिटी सिस्टम सो यूटिलिटी सिस्टम दैट मीन्स एच पी डी सी हाई वोल्टेज डी सी ट्रांसमिशन सो हाई वोल्टेज डी सी ट्रांसमिशन सिस्टम में भी बहुत काफ़ी हाई लेवल के हाई रेंज के आपके पाओलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं पाओलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स पाओलेक्ट्रॉनिक्स टोपोलॉजीज फॉर कन्वर्जन ऑफ पावर फ्रॉम ए सी टू डी सी एंड डी सी टू ए सी सोर्स साइड एंड लोड साइड क्योंकि लोड हमारा पूरा ए सी होता है सो लोड साइड हमें क्या करना पड़ता है डी सी पावर को वापस रिटर्न ए सी पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है सो दीज आर ऑल थिंग्स आर डन बाय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर सो दीज आर दी दीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम एज वी आल्सो ड्रॉ दी दाइग्राम This uh, slide, next, now in this slide, you have also seen that the various areas of power electronics applications uh, according to different semiconductor devices. First, that is thyristor. So, thyristor it's having high range, high power range, and rating of frequency.

I use washing machine, air conditioner. So, these are the applications of power electronics. We can say that semiconductor devices with their areas. Now, next, that is the advantages of power electronic system. So, first, that is highly reliable. So, power electronic system. काफी रिलायबल होता है नेक्स्ट सेकेंड इज हाईली इफिशियंट सो पॉलिटोनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट मीन्स वी हैव रिक्वायर्ड हंड्रेड परसेंट इफिशियंसी सो फॉर दैट वी कैन से दैट दैट इज हाईली इफिशियंट एंड नेक्स्ट वन इज निग्लिजिबल मेंटेनेंस सो निग्लिजिबल मेंटेनेंस दैट मीन्स देर इज नो एनी मूविंग पार्ट सो दैट द मेंटेनेंस इज निग्लिजिबल नेक्स्ट इज फास्ट ऑपरेटिंग सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कन्वर्टर होते हैं दिज आर वर्किंग एज अ स्विच सो स्विच आर वर्किंग द वर्किंग ऑफ स्विच इज़ वेरी फास्ट सो द ऑपरेटिंग ऑफ पावर पावरिक्स सिस्टम इज ऑल्सो फास्ट एंड लास्ट वन इज़ कॉम्पैक्ट इन साइज तो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसका साइज काफ़ी लेस साइज होता है काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज होता है एज फॉर एग्जाम्पल नावर डेज वी आर ऑब्जर्व दैट दी फैन रेगुलेटर जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं छोटा सा स्मॉल सा फैन रेगुलेटर होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस फैन रेगुलेटर सो दैट इज द एप्लीकेशन दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्यू टू दी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नाउ द डिसडवाटेजेस सो देर आर सम लिमिटेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ड्यू टू दर्मोनिक्स ड्यू टू द स्विचिंग हारमोनिक्स इंजेक्टेड इन टू दिस्टम this is the very big disadvantage of power electronic system low power factor as you all aware about that the what are the role of power factor in electrical power system and next one is low overload capacity that is also disadvantage of power electronic system now these are the classification of power electronic devices the power electronic device is classified in generally five types फर्स्ट इज अनकंट्रोल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ दैट इज द पावर डायोड सो इसमें टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों ही कंट्रोलिंग नहीं होता है एज वी ऑल्सो टोल्ड दैट दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर आर यूज एज अ स्विच तो स्विच का टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों ही अनकंट्रोल होता है सो देर फॉर इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर और इसका एग्जाम्पल है पावर डायोड second one is control turn on but uncontrolled turn off that means it is also known as semi control devices and the example of semi control devices that is the thyristor or scr third one is control turn on and turn off characteristic the exam example of these devices are power transistor BJT MOSFET GTO and IGBT that means these are the fully controlled power electronic devices fourth one is continuous gate signal requirement for example of this type of devices BJT MOSFET and IGBT and last one that is the pulse gate requirement so these are the classification of power electronic devices now next we are discussing about the polyelectronic converters the polyelectronic converter that conversion of electrical power from one form to another form the polyelectronic converter can be classified into six types first one is rectifier as you all know that what is the function of rectifier it convert ac into dc but un uncontrolled next one is control rectifier that is also work as a rectifier ac to dc converter third one is dc chopper it convert fixed dc to variable dc and next one is ac to ac converter that is also known as ac voltage regulator and fifth one is dc to dc to ac converter it is also known as inverter and last one that is the static switch. So these are the classification of power converters. The classification of power converters we can observe by this block diagram how to converter operate. First, AC to DC. This is the first block that is the that is the AC supply, and here is डी सी सप्लाय एंड आफ्टर दैट दिस डी सी इज कन्वर्ट इंटू डी सी दैट मीन्स फिक्स डी सी इज़ कन्वर्टेड इंटू वेरिएबल डी सी दैट इज कॉल्ड दॉपर एंड धिस डी सी इज कन्वर्टेड इंटू ए सी दैट इज कॉल्ड दी इन्वर्टर एंड धिस ए सी इज कन्वर्टेड इंटू ए सी दैट मीन्स फिक्स डी सी इंटू वेरिएबल ए सी आर वेरिएबल ए सी इंटू फिक्स्ड ए सी दैट इज कॉल्ड द ए सी वोल्टेज Regulator. So these are the uh, function of block diagram of power electronics converters. Now these are the description of the different types of power electronics converter. As we also discussed in previous slide, that DC to DC converters, AC to AC converters, DC to AC converters. These are the following types of power electronics converters. सो थैंक यू सो मच दिज आर दी आवर टूडेज फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिट्रॉनिक्स ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट था पॉलिट्रॉनिक सब्जेक्ट का इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट दन बाय वन टॉपिक ओके थैंक यू